डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ स्पैड, स्पैड क्या है, और दूसरा यदि स्पैड हो गया तो लोको पायलट, गार्ड और स्टेशन मास्टर्स की ड्यूटीज क्या है, हमें क्या करना चाहिए। ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं उसकी डिफिनेशन। सो डिफिनेशन में लिखा है क्या कि स्पैड मीन्स ए ट्रेन पासिंग ए फिक्स्ड स्टॉप सिग्नल एट ऑन, और ये फिक्स्ड स्टॉप सिग्नल फॉर एग्जांपल होम सिग्नल, स्टार्टर सिग्नल, एडवांस स्टार्टर सिग्नल, सेंट सिग्नल, ये सब इसमें शामिल है। एनी फिक्स्ड स्टॉप सिग्नल एट ऑन, और इसमें दो चीज और भी शामिल है, इंक्लूडिंग बैनर फ्लैग, जो इंजीनियरिंग वर्क स्पॉट में स्पॉट प्रोटेक्शन के लिए, वर्क प्लेस प्रोटेक्शन के लिए बैनर फ्लैग लगाया जाता है बिफोर 600 मीटर। सो उसे भी हमें पार नहीं करना चाहिए, वी हैव टू स्टॉप द ट्रेन। प्लस जो इंजीनियरिंग स्टाफ बोर्ड लगा है कार्यस्थल पर एट द वर्क स्पॉट, देयर आल्सो वी हैव टू स्टॉप। आपने जैसा इंजीनियरिंग इंडिकेटर के चैप्टर में पढ़ा है, स्टाफ बोर्ड पे गाड़ी रोकने के बाद लोको पायलट ही साइनिंग इन ER7 रजिस्टर, ER7 में पूरा ट्रेन पर्टिकुलर्स डाल के हम साइन करते हैं। सो वहाँ पे रोकना है, दैट इज कॉल्ड इंजीनियरिंग स्टाफ इंडिकेटर बोर्ड। ओके, बट सर्टेन सिग्नल्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द स्पैड केस। स्पैड में क्या क्या शामिल नहीं है, बेसिकली वो IB सिग्नल, ऑटोमेटिक सिग्नल एंड गेट सिग्नल है। ये तीनों सिग्नल में जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि वी कैन पास देम एट ऑन फॉलोइंग ए सर्टेन रूल, कुछ रूल का पालन करके हम गेट सिग्नल को ऑन में पार कर सकते हैं, IV को ऑन में पार कर सकते हैं, ऑटोमेटिक सिग्नल को भी ऑन में पार कर सकते हैं, कुछ रूल फॉलो करना पड़ता है। बट अदर जो फिक्स्ड स्टॉप सिग्नल है, जैसे होम सिग्नल है, स्टार्टर सिग्नल है, आइदर सिग्नल शुड बी टेकन ऑफ आर सम रिटन अथॉरिटी इज रिक्वायर्ड, करेक्ट प्रॉपर अथॉरिटी के साथ ही हम पास कर सकते हैं। तो ये जो स्टॉप सिग्नल्स है, इसको जब कोई ट्रेन गलती से ऑन में पार करेगी और विदाउट अथॉरिटी या रॉन्ग अथॉरिटी के साथ पार किया है, तो वो सब स्पैड माना जाएगा। नाउ सपोज दिस स्पैड हैज टेकन प्लेस, दैट इज अनफॉर्चुनेट इवेंट हो गया हो, आफ्टर दैट इफ इट इज स्टेशन सेक्शन, देन स्टेशन स्टाफ SM पॉइंट्समैन, इनका ड्यूटी क्या है, दे शुड कन्फ्रंट टू द लोको पायलट। कन्फ्रंट का मीनिंग क्या है, वी हैव टू जस्ट इन्फॉर्म लोको पायलट लाउडली दैट स्पैड हैज टेकन प्लेस, स्पैड हो गया है, स्पैड हो गया है। वॉकी टॉकी और एनी अदर कम्युनिकेशन वी शुड ट्राई टू इन्फॉर्म लोको पायलट एंड गार्ड, इफ लोको पायलट ऑलरेडी ही इज नोइंग, ओके, अदरवाइज इट इज द ड्यूटी ऑफ स्टेशन स्टाफ। Now, if this unusual spat takes place in the station, then after stopping the train, measurement will be taken by station master. Measurement station master lega in presence of loco pilot and guard. और ये measurement लेने का तरीका क्या हो सकता है? Suppose actual tape is available, measuring tape is available, so by writing the actual distance, आर बाई काउंटिंग द नंबर ऑफ स्लीपर्स, जो रेलवे ट्रैक पे हमारे स्लीपर्स लगे हैं, तो रोक सिग्नल से आगे कितना इंजन गया है वो नंबर ऑफ स्लीपर्स काउंट कर सकते हैं, प्लस इंजन प्लस हाउ मेनी बोगीज, इंजन एक इंजन दो इंजन और कितना बोगी स्टॉप सिग्नल के आगे निकला है वो भी नोट कर सकते हैं, साइड में किलोमीटर्स लिखे हैं वो भी नोट कर सकते हैं, एंड दिस मेजरमेंट विल बी रिकॉर्डेड इन स्टेशन डायरी। ये स्टेशन डायरी में स्टेशन मास्टर रिकॉर्ड करेगा,
and signature will be taken from loco pilot, guard and other witnesses available at the station, maybe pointsman and other staff. So hum station diary mein sabka signature lena chahiye. Message will be given to control office and all concerned. सभी सर्व संबंधित को मैसेज दिया जाएगा. एंड स्टेशन मास्टर ही शुड नॉट अल्टर द पॉइंट्स, ही शुड नॉट अल्टर द पोजिशन ऑफ द सिग्नल्स. नाउ इट शुड बी रिकॉर्डेड बाय लोको इंस्पेक्टर, टीआई एंड अदर इंस्पेक्टिंग ऑफिशियल्स. क्रू शुड बी अरेंज रिलीफ. एज पर रूल क्रू को रिलीफ देना है, बट प्रैक्टिकली मे बी suppose it is not feasible to relieve the crew, then control office and administration may decide otherwise. अगर वो लोग वैसा decide करते हैं control office और हमारा administration divisional officers, they may authorize station master to start with same crew, but as per the written rule the crew should be changed and crew should be subjected for मेडिकल टेस्ट एंड ब्रेथलाइजर टेस्ट. क्रू का ब्रेथलाइजर टेस्ट होना चाहिए और उसको मेडिकल टेस्ट के लिए भेजना चाहिए. ओके. एंड आफ्टर स्टॉपिंग द ट्रेन इन केस ऑफ स्पैड, ट्रेन शुड नॉट बी मूव्ड एट ऑल. इट शुड बी मूव्ड ओनली आफ्टर फॉलोइंग ऑल द प्रोसीजर्स लेड डाउन एज पर द रूल. ओके. देन सपोज सेम स्पैड, ये जो स्पैड स्टेशन में हुआ, तो मेजरमेंट लेने का, पूरा मैसेज देने का, रिकॉर्ड करने का रिस्पांसिबिलिटी स्टेशन मास्टर का है. एंड गार्ड ही विल सेम टाइम ही विल रिकॉर्ड इन द सीटीआर एंड प्रिपेयर द रिपोर्ट. सपोज इट टेक्स इन ब्लॉक सेक्शन, यदि ये चीज ब्लॉक सेक्शन में हो गया स्पैड, देन गार्ड हैज टू टेक द मेजरमेंट बाय सेम मेथड. एंड गार्ड मेजरमेंट लेने के बाद ही विल रिकॉर्ड इन सीटीआर, सीटीआर में रिकॉर्ड करेंगे. एंड ही विल टेक सिग्नेचर ऑफ लोको पायलट, मीन्स मेजरमेंट शुड बी डन इन प्रेजेंस ऑफ लोको पायलट. एंड मैसेज शुड बी गिवन बाय गार्ड टू कंट्रोलर, स्टेशन मास्टर एंड ऑल कंसर्न. एंड आफ्टर गेटिंग परमिशन फ्रॉम द कंट्रोल ऑफिस थ्रू स्टेशन मास्टर, देन ओनली वी शुड स्टार्ट द ट्रेन. ओके. सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द डिफिनीशन ऑफ स्पैड, की स्पैड क्या है और स्पैड होने के बाद हमारा ड्यूटीज क्या है लोको पायलट का, गार्ड का और स्टेशन मास्टर का. स्टिल इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज डू राइट योर क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स. इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल अबाउट द रीजंस फॉर स्पैड एंड रेमेडीज, कि किस कारण से स्पैड होने की संभावना रहती है और उससे कैसे बचा जा सकता है, पर्टिकुलरली फॉर लोको पायलट्स. एंड प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ ऑलरेडी नॉट सब्सक्राइब, एंड प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड अदर ग्रुप्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.